नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद होती है। कुछ ऐसे अंदाज में बनाने वाले हैं, वो तरीका आपको बहुत ही पसंद आएगा और देखकर आप तुरंत ही बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, हमने लिया भिंडी। मैंने 1 किलो के करीब भिंडी ली है, अच्छे से वॉश कर लिया है, किचन टॉवल से पोंछ लिया है या पंखे के नीचे भी आप सुखा सकते हैं। अब इसे काटना कैसे है? देखिए, पहले मैंने इसके दोनों भाग ना आगे और पीछे के थोड़े थोड़े से काट दिए हैं और इस ढंग से हमने बड़े बड़े टुकड़ों में भिंडी को काट कर तैयार करना है। देखिए, इस ढंग से सारी भिंडी को हमने इसी ढंग से काटा है। ज़्यादा छोटी थी ना, जो बहुत छोटी होती है, उसकी सिर्फ मैंने साइडें काटी हैं और चेक भी कर लिया भिंडी ख़राब ना हो। अब डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले। 2 टीस्पून तो इसमें डल जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, ये थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर। नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। देखिए, मैंने ली थी 2 प्याज, उसको ना चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, क्योंकि जो प्याज है इसमें थोड़ी दरदरी होनी चाहिए। देखिए, सारी प्याज को इसमें डाल देना है। अगर आप मिक्सी में पीस कर भी डालना चाहते हैं ना, तो ज़्यादा बारीक करके मत डालें। अब इसमें मैं 1 हरी मिर्ची को छोटा छोटा करके डाल रही हूँ। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हाथों से सब चीज़ों को इस पर अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, चम्मच से नहीं हो पाएगा, मसाले हैं, प्याज है, सब हाथों से ही अच्छे से हो पाएगी। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने लिया है स्मोक मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके ठंडा कर लिया है। मैं पूरी भिंडी जो है ना सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। अभी मैं 1 छोटी चम्मच इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि अपने भिंडी को बिल्कुल सुखा के लिया है, अच्छे से मसाले मिक्स भी हो जाएंगे इससे। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपने जल्दबाजी में भिंडी को पोंछा है और थोड़ी बहुत नमी रह जाती है ना अगर भिंडी में, तो आप क्या करें, थोड़ा सा इसमें नींबू का रस डाल देंगे ना, तो इसका जो चिपचिपापन है वो कम हो जाएगा। अब हमने कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर लिया है और इसमें मैं स्मोक मस्टर्ड ऑयल ही डाल रही हूँ और मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसे गर्म कर लें। जैसे ये गर्म हो जाएगा, हम इसमें 2 चुटकी डाल रहे हैं हींग, 1 टीस्पून डाल रहे हैं जीरा। जैसे ही जीरा अच्छे से फूल जाएगा, हम सारी भिंडी को इसमें डाल देंगे और तेज गैस पर हम भिंडी को 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। ऐसा करने से ना तो हमें अलग से भिंडी फ्राई करके डालनी पड़ेगी और ना ही हमें प्याज अलग से भूननी पड़ेगी, दोनों चीज़ें एक साथ ही होंगी। ये देखिए, 3-4 मिनट तक इसको हमने भून लिया है। अब गैस को लो मीडियम करकर 3-4 मिनट पहले हम इसे ढक देते हैं, फिर इसको चलाएंगे। देखिए, 3-4 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले तो बहुत अच्छे से चला देंगे। देखिए, प्याज भी बहुत भून चुकी है अच्छे से और हमारी भिंडी का कलर भी बहुत अच्छा सा है, हरा हरा ही। अभी ये थोड़ी सी कसर है, इससे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए, भिंडी बहुत जल्दी से गल जाती है, इसे हम फिर से थोड़ा सा ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए, हमने इसको बिल्कुल सूखा बनाया है, बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। और अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर थोड़ा सा भी चिपचिपापन आपको लगता है, तो आप इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। देखिए, भिंडी बहुत अच्छे से गल चुकी है। मैं इसमें खट्टेपन के लिए डालने लगी हूँ आमचूर पाउडर और इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं है, अच्छे से मिक्स कर देंगे।
देखिए सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को कर देंगे बंद। ऐसी भिंडी को आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और जिसे आप चपाती परांठे पूड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप एक बार इस मसालेदार भिंडी को ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ आपको रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।